हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हाई फोकस का स्मार्ट पैडलॉक कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे अनबॉक्सिंग होगा वो बता देता हूँ। देख लीजिए, यही है हाई फोकस का स्मार्ट पैडलॉक। ये हाई फोकस का हाई स्मार्ट एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक्सेस हो जाएगा। मैं अभी ये ओपन करता हूँ। देख लीजिए, इसमें एक लॉक है। उसके बाद वो चार्ज सिंक करने के लिए नॉर्मल यूएसबी चार्जर है। यही है लॉक। ओके, देख लीजिए, ये आप चार्जिंग सॉकेट रहेगा। ये ओके, देख लीजिए, ये नॉर्मल यूएसबी टाइप चार्जर है। आप फ़ोन का चार्जर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करने का यूज़र मैनुअल है। ये मैनुअल आप गो थ्रू कर लीजिए। अभी ये कैसे करना है वो बता देता हूँ। इसके लिए पहले आप मोबाइल में हाई स्मार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आप रजिस्टर करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर किया हूँ, सो डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। देख लीजिए, प्लस सिंबल क्लिक करना पड़ेगा ओपन करके। इसमें स्मार्ट लॉक करके ऑप्शन रहेगा। आपको सर्च नहीं हो रहा है तो ये पहले लॉक अनलॉक कर लीजिए, उसके बाद आप सर्च करिए, आपको डायरेक्टली सर्च हो जाएगा। आप ये यूज़ कर रहे हो ना लॉक, वो टाइम में आपको ज़रूर ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा। ब्लूटूथ के थ्रू ही एक्सेस होगा। देख लीजिए, अभी आ गया। इसको नाम चेंज करना है तो आप डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हो। मैंने होम करके नाम डाल देता हूँ। सो ये नियर बाई होगा तो आपको कनेक्ट होगा, डिस्टेंस में कनेक्ट नहीं होगा। देख लीजिए, ये ऑप्शन है ना, अभी इस ये लॉक में है। आपको ओपन करना है तो ये एप्लीकेशन में आपको अनलॉक का ऑप्शन रहेगा, वो लॉन्ग प्रेस करना है। देख लीजिए, ओपन हो गया। ओके, हो गया। देख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर में दिखाता हूँ कैसे ओपन होगा। ओके, आपको दूसरा यूज़र ऐड करना है तो नीचे मेंबर मैनेजमेंट में जाना है। आपका अकाउंट सेलेक्ट करके फिंगर ऐड करना है। देख लीजिए, ऐड फिंगर। अभी आप फिंगर डालना पड़ेगा वो लॉक में। आपको वो दिखाएगा, ब्लू कलर का लाइट दिखाएगा। उसके बाद आप फिंगर रखने के लिए स्टार्ट करना है। आपको फिंगर यहाँ पर 100% एक्सेस हो गया तो आपको डन का ऑप्शन मिलेगा। आप कौन सा यूज़र है वो यूज़र डाल सकते हो। मैंने टेस्ट करके डाल देता हूँ। अभी उसका फिंगर भी उसमें ऐड हो गया। यहाँ पर अब हमको, मैंने दिखा रहा हूँ कौन सा यूज़र कौन सी टाइम में वो एक्सेस किया है, वो दिखाएगा आपको अनलॉकिंग रिकॉर्ड्स में। इतना ही।